खरकोदा में सफाई व्यवस्था बेहाल, गलियों में भरा रहता है गंदा पानी। जिला सोनीपत के उपमंडल खरकोदा में सफाई व्यवस्था व गंदे पानी की निकासी सुचारू रूप से नहीं हो रही है, जिसके कारण गलियों में पानी भर जाता है, आना जाना बेहद मुश्किल हो जाता है। लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। बीते दिनों खरकोदा नगर पालिका ने दिल्ली रोड पर लाखों रुपए खर्च कर गंदे पानी की निकासी के लिए एक बूस्टिंग पंप लगाया था, लेकिन गंदे पानी की निकासी खरकोदा रोड पर ही नहीं हो पा रही है। खरकोदा से दिल्ली जाने वाले मुख्य मार्ग पर नई सब्जी मंडी के बाहर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, वह गलियों में पानी भरा हुआ है। सुबह सुबह जब पीने के पानी की सप्लाई आती है तब तो गलियों में से निकलना दुर्भर हो जाता है। हरियाणा सरकार सफाई व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन खरकोदा में इनका कुछ भी असर देखने को नहीं मिलता है। मुख्य मार्गों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, आवारा पशुओं के झुंड हैं और गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।